हेलो दोस्तों, आज से हम कॉन्स्टिट्यूशन चालू करने वाले हैं, हमारा भारतीय संविधान। अब संविधान को पढ़ने का जो मेरा तरीका है वो थोड़ा अलग है, तो मैं चालू करता हूँ कि देखिए किस तरह आपको पढ़ना है, क्या क्या इम्पोर्टेंट है प्री और मेंस के पर्पज से। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं, संविधान में सबसे पहले पढ़ते हैं कि फजल अली आयोग के पहले भारत के राज्यों का बंटवारा किस प्रकार से हुआ था। तो चार प्रकार से राज्यों का बंटवारा हुआ, ए बी सी डी। ए में आते हैं ब्रिटिश प्रोविंस, बी में देसी रियास या प्रिंसरी स्टेट जिसको बोलता है, तो ए में 9 राज्य, बी में भी 9 राज्य, और सी में कमिश्नरी स्टेट, और डी में 47 आते थे जिसमें अंडमान और निकोबार भी शामिल था। अब देखिए 552 जो थी वो देसी रियासतें थी, इसमें पटेल, मेनन और माउंट बेनन, ठीक है। अब इसमें कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा मिलाया गया, जूनागढ़ को जनमत संग्रह द्वारा मिलाया गया, और हैदराबाद को अपोलो ऑपरेशन के द्वारा मिलाया गया भारत के राज्यों में। अब भाषा आधार पर गठित आयोग, सबसे पहले आता है भाषा आधार पर गठित आयोग कौन सा था, एस के धर, 1948। फिर उसके बाद JVP मतलब नेहरू, पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, 1948 भाषा आधार पर ये जो गठित आयोग था। अब पट्टा सी रामलू में 1952 10 अक्टूबर 1953 भाषा के आधार पर बनने वाला जो राज्य है सबसे पहला वो था हमारा आंध्र प्रदेश। अब देखिए फजल अली आयोग 1953 में मेन इम्पोर्टेंट क्या है, 3 सदस्य थे, रिपोर्ट 1956 को प्रस्तुत की गई, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होगा, ये फजल अली आयोग से निश्चय हुआ, जिसमें 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरीज। फिर 1956 में 7वां संशोधन आया जिसमें भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया गया। 1966 में शाह आयोग का गठन, तो शाह आयोग के गठन में पेप्सू नाम दिया गया, पेप्सू का मतलब पंजाब ईस्ट पटियाला स्टेट यूनाइटेड, पेप्सू पंजाब ईस्ट पटियाला स्टेट यूनाइटेड, ये 1966 शाह आयोग के गठन के आधार पर किया गया। अब देखिए पेप्सू जो राज्य के बंटवारे की गए, हरियाणा हिंदी, पंजाब पंजाबी, और जो हिमाचल प्रदेश था मतलब पर्वती, और चंडीगढ़, ये विवादित पेप्सू के जो मुद्दे थे कि हरियाणा को हिंदी के हिसाब से, पंजाब को पंजाबी के हिसाब से, हिमाचल प्रदेश को पर्वती के हिसाब से, और चंडीगढ़ को विवादित, ये पेप्सू के मुद्दे हैं किन किन विहाप पर होते हैं, ठीक है। अब हम इसमें धारा एक से बताते हैं आपको कि धारा एक क्या कहती है। अब देखिए इसमें सबसे पहले हम जो सेक्शन 1 से 4 है उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम भाग 2 देखते हैं। देखिए भाग 2 क्या है, नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में नागरिकता के बारे में दिया गया, पहली बार जो चर्चा थी वो अरस्तु के द्वारा की। तो आर्टिकल 5 क्या कहता है कि प्रारंभ में नागरिकता, भारत में जन्म होगा, माता पिता का जन्म, या संविधान लागू होने से 6 महीने पहले, अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती है तो ये प्रारंभिक नागरिकता। फिर आता है आर्टिकल 6 अनुच्छेद 6 परमिट रूल क्या है। परमिट रूल में देखिए पाकिस्तान से भारत 19 जुलाई 1948, अगर 19 जुलाई 1938 के पहले तो कोई टेंशन वाली बात नहीं थी, लेकिन अगर बाद में है तो 6 मंथ का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी था। अब बात करते हैं आर्टिकल 7 की, तो 1 मार्च 1947 के बाद अगर इंडिया से पाकिस्तान जाता है और पाकिस्तान से दोबारा इंडिया आता है तो भी 6 महीने का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा, तभी नागरिकता मिलेगी। आर्टिकल 8 और किस तरह से नागरिकता मिल सकती है, विदेश में परिजन, नौकरी या शिक्षा, नागरिकता नहीं दी जाएगी। अगर नौकरी के पेशे से आते हैं, शिक्षा के पेशे से आते हैं, या पर्यटन के पेशे से आते हैं तो नागरिकता नहीं जाएगी, ये धारा आर्टिकल 8 कहता है, अनुच्छेद 8 कहता है। अब अनुच्छेद 9, अगर विदेशी नागरिकता ले ली तो भारतीय नागरिकता ख़त्म। अनुच्छेद 9 क्या कहता है कि अगर किसी इंसान ने विदेशी नागरिकता ले ली है तो उसकी भारतीय नागरिकता ख़त्म कर दी जाएगी।
फिर आता है आर्टिकल 10, अनुच्छेद 10, नागरिकता की सुरक्षा। फिर आता है आर्टिकल 11, नागरिकता से संबंधित कानून संसद बनाएगा। संसद में कौन? गृह मंत्रालय के द्वारा। तो अनुच्छेद 11 क्या कहता है? नागरिकता से संबंधित कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगा, गृह मंत्रालय के द्वारा। फिर आता है नागरिकता अधिनियम 1955, जन्म के आधार पर 1986 में पहला संशोधन हुआ, माता पिता में किसी एक का जन्म होना चाहिए। दूसरा, वंश के आधार पर 1992 में संशोधन। जो नागरिकता अधिनियम 1955 है, इसमें क्या क्या बात है कि जन्म के आधार पर, तो 1986 में पहला संशोधन हुआ और ये कहा गया कि माता और या पिता में कोई एक व्यक्ति भारत में जन्मा। दूसरा, वंश के आधार पर 1992 में जो संशोधन हुआ, ठीक। फिर आता है इसी में तीसरा पॉइंट है पंजीकरण, विवाह, नौकरी या 7 साल तक अगर कोई रहता तब भी नागरिकता दे दी जाती है। देशीकरण, कला, विज्ञान, संगीत और भाषा के आधार पर नागरिकता। पांचवा, अर्जित भूमि के आधार पर नागरिकता, जैसे सिक्किम। NRI अगर विदेश में 6 माह रहा हो, ठीक है। अब 2005 में ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया NRC सबसे पहले कहाँ लागू हुआ? असम में, 24 मार्च 1971 के पहले का डॉक्यूमेंट। फिर आता है भाग 3, मूल अधिकार। तो मूल अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट, सेक्शन 12 से 35 के अंतर्गत। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया, ठीक। अब अनुच्छेद 12 में परिभाषा दी गई है मूल अधिकार की। 13 में दूसरे के मूल अधिकार का हनन पर लगाम लगाता है। दूसरे के मूल अधिकारों के हनन पर क्या करता है? लगाम लगाता है, एक सिक्के वो देता है। ऐसा कोई कानून जिससे दूसरे के मूल अधिकार का हनन हो, ठीक है। स्टेट मतलब राज्य, स्टेट मतलब जो राज्य है, राज्य का मतलब स्टेट, उसका जैसे RBI हो गया, का अर्थ आयोग, जैसे SSC, बिजली, एयरपोर्ट या रेलवे, इन सबको स्टेट बोला जाता है, ठीक है। तो आर्टिकल 13 क्या कहती है कि देश के अगर मूल अधिकार का हनन का लगाम लगाना होता है, अगर कोई ऐसा कोई कानून जिससे दूसरे के मूल अधिकार का हनन हो रहा है, तो इसमें इसके लिए आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। फिर आता है आर्टिकल 14, विधि के समक्ष समानता। कहाँ से लिया गया? UK से लिया गया। कानून का सम्मान संरक्षक USA से। यह आर्टिकल 14 कहता है कि विधि के समक्ष समानता। कहाँ से लिया गया? UK से। ये आर्टिकल 14 कहता है। 15, जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। अनुच्छेद 15 कहता है कि जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। 16, लोक नियोजन में समानता। लोक नियोजन मतलब सरकारी कर्मचारी, जात और भाषा के आधार पर आरक्षण। 17, अनटचेबिलिटी, छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत, मतलब राजा वाली उपाधियों का अंत। अब देखिए आर्टिकल 14, 15, 16, 17, इनको समानता का अधिकार बोला जाता है। भाई जो मूल अधिकार हमारे हैं 12 से 35 के बीच में दिए गए हैं। अब ये पूछा जाता है कि समानता का अधिकार किस सेक्शन से किस सेक्शन के अंतर्गत में, तो धारा 14 से लेकर धारा 18 तक के अंतर्गत में समानता का अधिकार, ये ध्यान रखिएगा। 14, 15, 16, 17, 18, इसको हम समानता का अधिकार कहते हैं। फिर आता है अनुच्छेद 19(1), व्यक्ति की स्वतंत्रता, राइट टू एक्सप्रेस, बोलने, प्रेस या झंडा लहराने या RTI, ये सब क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब इसमें बिना हथियार के सभा आयोजित कर सकते हैं, संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता है, भारत में बस जाने की स्वतंत्रता है, संपत्ति का अधिकार है, जो 44वां संशोधन के द्वारा ये चीज़ में इसमें संशोधन हो चुका है, और अगला है व्यवसाय। तो ये आपको 8 अधिकार दिए गए हैं। बिना हथियार के सभा आयोजित कर सकते हैं, संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता है, भारत में बस जाने की स्वतंत्रता है, संपत्ति का अधिकार है जो 44वां संशोधन से हटा दिया गया है, और दूसरा अगला है व्यवसाय। तो यह अनुच्छेद 19 कहता है, ठीक।
अब इसमें आता है दोष सिद्धि से संरक्षण। दोष सिद्धि से संरक्षण क्या है? सजा। सजा जो होगी वो कानून के हिसाब से होगी, मतलब आईपीसी सीआरपीसी जितने भी लोग हैं हमारे, एक गलती के लिए एक सजा। गवाही नहीं दे सकते खुद के विरुद्ध, खुद के विरुद्ध अब गवाही कभी नहीं दे सकते। ये आर्टिकल 20 कहता है दोष सिद्धि से संरक्षण। ठीक, तो आज के इस वीडियो में हम भाग दो के धारा 5 से लेकर धारा 20 तक के बारे में हमने डिस्कशन किया है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।